पेन जैसा नहीं है, पर एक्चुअली मेरी आदत भी है थोड़ा ज्यादा सोचने की, तो उस वजह से मुझे लगता है कि कुछ हो रहा है, तो पर वो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं रहा, मेरा तो ठीक है एक्चुअली। अब एक चीज ये आती है कि मैंने आपको प्लानिंग के टाइम पे सजेस्ट किया था कि हम कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट करेंगे, FUE FUT, और ये एक मिथ बना हुआ है कि FUT में पेन होता है या FUT में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और FUE अच्छी ट्रीटमेंट है, FUE में कुछ भी नहीं होता है। मैंने आपको कॉम्बिनेशन किया था, मैंने आपको डिस्कशन भी किया था, बट एज अ पेशेंट अब सर्जरी के बाद आपको एक कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट करने में कोई प्रॉब्लम हुई? मुझे कुछ ना, मुझे तो ये भी नहीं पता चला कब एफयूटी हो रहा है कब एफयूई हो रहा है, मेरे लिए तो पूरा प्रोसेस हुआ और कोई उस तरह की दिक्कत नहीं है। स्ट्रिप के स्टिचेस के अलावा कोई स्पेशली आपको कोई एक्सेस पेन फील हुआ कभी भी? नहीं अगर मैं ये कहूं कि एफयूटी प्रोसेस या एफयूई प्रोसेस के पेन में आपको कोई डिफरेंस ही नहीं लगा? नहीं पेन तो उस पार्ट में हुआ ही नहीं जहां स्ट्रेचेस हैं, बल्कि जो थोड़ी इरिटेशन होती है वो पेन नहीं है, वो एक्चुअली थोड़ा सा जब चीज हील हो रही है या कुछ हो रही है उसके वजह से इचिंग हल्की सी है, तो वो बल्कि जहां ट्रांसप्लांटेड एरिया है उसमें ज्यादा पता चला, करेक्ट जहां कट हुआ वहां पता ही नहीं चल रहा है। करेक्ट। सो इंपॉर्टेंट चीज प्लीज, मैं ऑलमोस्ट इसको एक कैंपेन मान लीजिए, FUE के मिथ से बाहर निकलिए। ये FUE की मिथ स्किन स्पेशलिस्ट ने, MBBS डॉक्टर्स ने, होम्योपैथ्स ने, टेक्नीशियंस ने फैलाई हुई है कि FUE बेटर है, बिकॉज सिंपल रीजन, बिकॉज ये प्रोसीजर मोस्टली टेक्निकल टीम्स के हाथ में वो देना चाहते हैं। FUT एक मोर डिफिकल्ट प्रोसीजर है, एक मोर इंटेंसिव प्रोसीजर है। FUT की लॉन्जिविटी बालों की बहुत ज्यादा रहती है। FUE के कुछ बाल डोनर एरिया के बाहर से लिए जाते हैं, कैन हैव प्रॉब्लम्स। शेविंग का कॉन्सेप्ट है, कॉम्बिनेशन में तो ऑफ कोर्स शेव करना पड़ता है, बट एज अ पर्सनल चॉइस मैं अपने रिलेटिव्स को बोलता हूं प्लीज स्ट्रिप कीजिए। पेन नहीं होता है ज्यादा, रिकवरी वाइज नहीं होता है ज्यादा, एंड सारे के सारे बाल परमानेंट जोन से लिए जाते हैं एंड दे विल स्टे फॉरएवर। सो ओवरऑल वुड यू से कि ये कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट या जो भी प्लान रहा वो सक्सेसफुल रहा मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। इस टाइम पे एज ऑफ येट? और वो आप देख भी रहे हैं बाल, मतलब जो सर खाली था, चांद का टुकड़ा बना हुआ था, लेकिन वहां पे आज थोड़े बहुत स्कैब्स हैं क्योंकि आज 2 वीक्स हम लोग एक बार वॉश भी करेंगे, उसके बाद PRP का सेकंड सेशन है, बट आप बालों की ग्रोथ देख पा रहे हैं, अच्छी डेंसिटी देख पा रहे हो, और ये तो कुछ भी नहीं है। जब बालों की ग्रोथ होगी ओवर टाइम, मैं एक बात ये कहना चाह रहा था कि मैं अभी एक फ्रेंड के साथ आया हूँ, मैं हॉस्टल में रहता हूँ और जैसे जगह पर रहता हूँ वहाँ लगभग चांद के टुकड़े हो जाते हैं बहुत सारे, तो मैं PhD कर रहा हूँ तो वहाँ हॉस्टल्स में इस तरह की दिक्कतें बहुत सारे वजहों से हैं वहाँ पे, तो वो जो मेरे साथ अभी फ्रेंड आया हुआ है उसने मुझे सर्जरी के तीसरे या चौथे दिन बाद देखा था, तो बहुत सारे सीनियर्स ने भी कराया है, उन्होंने बोला यार कि तुमने तुम्हारा ये देखने में बहुत अच्छा रिजल्ट दिख रहा है, तो इस बात से भी मैं मतलब ये अपनी तरफ से कहना चाह रहा था। इस इमीडिएटली एट 2 वीक्स भी जिन लोगों ने कराया है उन्होंने अप्रिशिएट किया कि जो एग्जिस्टिंग डेंसिटी आज दिख रही है उसके नाते फ्यूचर की जो ग्रोथ आएगी वो काफी अच्छी आएगी। सो ये फीडबैक इंडिपेंडेंट सोर्स से मिलता है, ये सुन के